Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. अरसे से पूरी दुनिया कर रही है, खास तौर से इंडिया पाकिस्तान, और आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं इस वक्त आमिर सोहेल है, पाकिस्तान की टीम जो वाहिद वर्ल्ड कप जीती थी 1992, स्टार प्लेयर थे और उसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, आपको याद होगा, जहां पर अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप ओपनर है और ये शायद आईसीसी का एक रिवाज सा बन गया कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया पाकिस्तान को एक पूल में डाल देते हैं, टूर्नामेंट का आगाज इनसे करवाइए, प्लेयर जो है वो भरे जितने मर्जी परेशान हो, जितने मर्जी टेंस हो, जो क्राउड है उनको टिकट मिले ना मिले, लेकिन मजा बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई इस मैच का इंतजार करता है। तो आमिर भाई, मुझे याद है मेरी आपसे ठीक दो महीने पहले आखिरी मरतबा बात हुई थी और एशिया कप से पहले आईसीए स्पोर्ट्स चैनल पर ही मोगीज भाई ने वो मुझे मौका दिया था और तब मैंने आपसे ये कहा था कि आमिर भाई पाकिस्तान की टीम में वो दम नहीं लग रहा। मैंने 3-4 पॉइंट रखे थे, मैंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप के बाद 25-26 टी20 मैच खेल चुका है, पाकिस्तान सिर्फ 6 मैच खेला है। फिर मैंने ये भी कहा कि शाहिनशाह अफरीदी को चोट लगी है, आप लोग क्या करेंगे। कहानी वहां से उल्टी हुई, इंडिया नो डाउट पहला लीग मैच जीता बट पाकिस्तान ने फिर जो द मैच दैट मैटर्ड इंडिया को हराया, पाकिस्तान फाइनल खेला, इंडिया वापस आया। क्या ये कहानी वहीं पर खड़ी है जो आप एशिया कप में देखते हैं या ये फिर एक अलहदा कहानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? देखिए, ये टोटली अलहदा कहानी होगी क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने दुबई में ये देखा कि आपको एक्स्ट्रा बाउंस वहां पे मिला है, वहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा मौका था, जो बैट्समैन बाउंस को एंजॉय करते हैं उनके लिए अच्छा मौका था एक्सेल करने का। लेकिन यहाँ पे जो मेरे लिए स्टोरी है, इट बी अ मैच बिटवीन पाकिस्तान बॉलर्स एंड इंडियन बैट्समैन। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं यहाँ पे तो पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि आप अगर आप बैटिंग के बारे में बात करें तो अभी भी वही इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को एशिया कप में थे। अभी तक आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक सेटल नहीं हो सका, हम ओवर रिलायंट हैं ऑन द ओपनर्स। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की अब बात करें, उन कंडीशंस की बात करें, तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छा करेंगे तो वो सारी चीजों को इक्वलाइज करके पाकिस्तान को एक मौका देंगे मैच जीतने का। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमने एक चीज नोट की है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया और ये एक रियलिटी है जिससे हमें मुंह नहीं मोड़ना। हम वहां पे जाके थोड़ा बहुत लेंथ के ऊपर जो अप्रोप्रिएट लेंथ है ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस उसके ऊपर हमने स्ट्रगल किया हुआ है, हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये यंगस्टर हैं, इतना ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है एज फार एज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ये समझता हूं कि जितना जल्दी ये अपने आप को बेसिकली इन पिचेस के मुताबिक डिसाइफर करेंगे कि कौन सी लेंथ के ऊपर बॉल करना अच्छा है, अगर ये कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। नहीं, ऐसी वजह क्या है, क्योंकि मैं भी अगर आंकड़े देखें, आप 1992 वर्ल्ड कप आप ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी बट फास्ट बॉलर्स आपके एक्सेप्शनल, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को हालिया सालों में ऑस्ट्रेलिया में वो उतनी कामयाबी नहीं मिलती? इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया के जो सीमर्स हैं, मैं तो फास्ट बॉलर्स नहीं कहूंगा, सीमर्स कहूंगा, उनको ज्यादा कामयाबी मिलती है। देखिए, दो तरह के बॉलर है ना विक्रांत, अगर आप बात करते हैं, एक जो है वो आके पिच के अंदर बॉल जो है ना आके फेंकता है, अगर आप सीमर्स की बात करते हैं तो वो गेंद को फ्लोट करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का जो आइडियल कॉम्बिनेशन था रीसेंट पास में, अगर आप उसको देखें तो आपको ग्लेन मैकग्रा और फ्लेमिंग नजर आते थे, एक बैट्समैन को बैकफुट पर लेके जा रहा है और गेंद आगे, दूसरा आगे गेंद फेंक रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन था। ये बॉलर की जो एबिलिटी है उसके मुताबिक आपने लेंथ ढूंढनी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ओवर द इयर्स, अब अगर आप 92 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो 2-3 मैचों को अगर आप गेज बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बहुत, वरना हमने स्ट्रगल किया। अगर आप 97 में जो हमने कार्लटन यूनाइटेड जीता, वहां पे पिचेस जो थी वो घास वाली थी, वहां पे आपने देखा शाहिद नजीर और दूसरे बॉलर्स जिन्हें बड़ी अच्छी आगे गेंद फेंक के विकेट हासिल की,
ब्रिस्बेन में और दूसरी जगह पे मोहम्मद जाहिद बहुत अच्छे जो है वो कार आमद साबित हुए। सो हमारे फास्ट बॉलर्स को ये देखना है कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप गेंद आगे फेंकने वाले हो तो आपको किस जगह पे बॉल करना है और कौन सी लाइन पे बॉल करना है। अगर आप इनटू द पिच करने वाले बॉल हो तो आपने जो पाकिस्तान या किसी और जगह पे आपको आदत है बॉल करने की वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर आपने बैक ऑफ द लेंथ यहाँ पे बॉल किया तो वो पुल है या कट है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर मैच में अच्छा करना है तो उनके बॉलर्स को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अच्छा, शाहिन शाह अफरीदी फिट हैं, रमीज राजा साहब ने उस दिन कहा भी कि वो 110% इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। मैं आपसे सिर्फ समझना चाहता हूं आमिर भाई, इंडिया का भी केस है, मोहम्मद शमी 2.5 महीने से क्रिकेट नहीं खेले थे और उसके बाद उनको कोविड हुआ, फिर खैर उनकी फिटनेस वगैरह करा के वो गए हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परहैप्स वो 23rd वाला जो इंडिया पाकिस्तान है उसमें खेलें। बट शाहिन शाह अफरीदी ने जो क्रिकेट नहीं खेली है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो ड्रॉप थे, इसलिए बिकॉज वो इंजर्ड थे। इंजर्ड हो आप इतने 3 महीने से, उसके बाद सर्जरी करा कर आ रहे हो, क्या सीधा आप 23 तारीख वाले मैच में उनको देखते हैं? देखिए, ये है प्लेयर की अपनी कॉल के, आपने ये बताना है प्लेयर ने, ऑनेस्ट होना है कि यार ये वाला मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आई बॉल्स इन्वॉल्व है, फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा मेलबर्न में, तो हम क्या अपनी 100% दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हो दोनों तरफ से ये होता है कि हमने मोर देन 100% देना। अगर प्लेयर ऑनेस्ट होके ये बताए मैनेजमेंट को कि हाँ मैं अगर 120% नहीं दे सकता लेकिन अगर मैं 100% दे सकता हूं, तो शाहिन शाह अफरीदी या जब आप शामी की बात करें, ये दोनों इस तरह के टैलेंट हैं। अगर ये इसमें इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट भी है, यू हैव टू टेक योर वर्ड फॉर इट। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप 2 प्रैक्टिस मैचेस में ये समझते हैं कि अभी तक वो वाली चीज नहीं है, तो देन यू हैव टू इंटरवीन एज द मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सारा साल बल्ले को हाथ नहीं लगाता, कुछ मेरे साथ बॉलर्स भी हैं जो ICA के आके चैरिटी मैचेस खेलते हैं इंग्लैंड में, साल में एक दफा आके हम 6-7 मैचेस खेलते हैं। होता यह है कि बगैर प्रैक्टिस किए हम आते हैं, बॉलर ने जो है वो 15-20 गेन किए, इट्स जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। बात सिंपल सी है कि आपने ये देखना फिटनेस का लेवल यह है, प्लेयर का कॉन्फिडेंस क्या है। अगर प्लेयर आपको ये बता रहा है कि 100% मैं दे सकता हूं, 100% के ऊपर आपने उनका वर्ड लेके उनको खिलाना मैच। अगर भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों टीमों को आमने सामने रखें, हकीकत में उन कंडीशंस में फेवरेट कौन है? मैंने बात क्या की पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को सामने रख के आई विल गो विद पाकिस्तानी टीम। इंडिया की टीम में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा सारा कुछ है, लेकिन मेरे लिए आप सूर्या कुमार का नाम लेते हैं, आप औरों का नाम लेते हैं, ये मुझे, अगर मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूं, ये मुझे डिस्टर्ब या प्रिटर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है रोज रोज आके आप विव रिचर्ड की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते भाई, वो एक ही नाम था। सो कई दफा कोहली इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर, रोहित शर्मा कोई शक नहीं, मिडिल ऑर्डर में इश्यूज हैं तो उसको कॉम्पनसेट कर, एक कोहेशन के साथ सही बहुत बड़ा। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।